गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है चर्चा करेंगे गैमेट ऑफ हाइट की। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इक्विसीटम। कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं हम इक्विसीटम। ठीक है, इक्विसीटम, इक्विसीटम हम पढ़ रहे हैं। और इक्विसीटम के अंदर हम आज बात करेंगे गैमेट ऑफ हाइट की। गैमेट ऑफ हाइट के अंदर हम जो गैमेट ऑफ हाइट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब जो स्पोर बन गए थे वो स्पोर किस तरह का होता है, देखने में किस तरह का दिखाई देता है। फिर उसका जर्मिनेशन कैसे होता है और प्रोथेलस का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोथेलस की सेक्सुअलिटी किस प्रकार की होती है, यानी कि उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, लैंगिक अंग जो होते हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा बीजाणु, बीजाणु का जर्मिनेशन और जो प्रोथेलस है उस प्रोथेलस की लैंगिकता, सेक्सुअलिटी किस प्रकार की होती है, ये हमारे टॉपिक है आज के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर की। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मेरे पीछे जो डायग्राम है उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं हट जाता हूँ एक बार यहाँ से। तो ये है आपका बीजाणु। ये बीजाणु जो होता है शुरुआत में गोल आकार का होता है। कैसा होता है? बिल्कुल गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है। और ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर होती है उस पर इस तरह से धारीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है ना। तो ये जो अवस्था होती है, ये वाली जो अवस्था है, ये वो अवस्था है जब बीजाणु शुरुआत में होता है। जैसे जैसे सूखता जाता है बीजाणु इस तरह से पंखनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये शुष्कता की अवस्था है और ये इसकी जो है नम अवस्था है। नम अवस्था में तो ये इस तरह का होता है और जब शुष्कता आती है तो ये इस तरह से फिर इसके पंख बन जाते हैं। इन पंखों को कहा जाता है इलेटर्स। क्या कहा जाता है इन्हें? इलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम इन्हें? इलेटर्स कहेंगे। अब ये जो बीजाणु है, अगर मैं इस बीजाणु को काटूं, जनरली अगर मैं इस बीजाणु को काटूं तो मुझे इसमें चार लेयर दिखाई देंगी। चार लेयर कौन कौन सी दिखाई देंगी? एक लेयर होगी अंदर ही अंदर की तरफ में, जिसको कहा जाएगा इंटाइन। क्या कहेंगे इसे हम? इंटाइन। इसके ऊपर एक लेयर होगी जिसे कहेंगे हम एग्जाइन, एग्जाइन या एग्जोस्पोर। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर होगी टोटल चार लेयर होंगी। ठीक है, इसके तीसरी जो लेयर होगी उसे कहा जाएगा मिडिल लेयर। क्या कहेंगे उसे हम? मिडिल लेयर। और ये बनी होती है क्यूटिकल की। इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाएगी जिसे कहेंगे हम एपी स्पोर। क्या कहेंगे हम इसे? एपी स्पोर। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो इक्विसीटम होता है उसके बीजाणु में जो इलेटर्स बनते हैं वो किस किस किससे बनते हैं? तो बनते हैं एपी स्पोर से। जो ये एपी स्पोर होता है, ये एपी स्पोर टूटकर इस तरह के इलेटर्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो अंदर की तरफ में दो परतें हैं, ये इसकी वास्तविक परतें होती है क्योंकि ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि ये जो दो परतें हैं ये इसके एक्स्ट्रा परतें होती है, इसलिए काफी कठोर होता है, काफी सघन होता है। ठीक है, ये जो बीजाणु होता है काफी कठोर सघन सा हमें दिखाई देता है स्टार्टिंग में। ये जो दो लेयर है नीचे की, अंदर की तरफ में जो दो लेयर है, ये बनती है साइटोप्लाज्म से। किसे बनती है? ये साइटोप्लाज्म से, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रू लेयर्स। और ये जो दो ऊपर की लेयर होती है, ये पेरिप्लाज्मोडियल जो था अपना द्रव था वहां पर बीजाणु धानी के अंदर, उस द्रव से ये बनती है, वो इसके आसपास सूख जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर दो लेयर बनती है, एक मिडिल लेयर और एक एपी स्पोर लेयर। ठीक है, तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है बीजाणु की। जब हम इसको टीएस काटे, इसका टीएस काट के देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है अंदर की तरफ से। ठीक है, इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर केवल एक केंद्रक होता है यहाँ पर, और साथ में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। केंद्रक, ये केंद्रक होता है और केंद्रक के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट होता है। बस ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, जब इसका अंकुरण होता है तो ये दो भागों में बट जाता है। एक छोटा भाग जैसे ही ये यहाँ पर बटेगा तो यहाँ पर ये इस तरह की संरचना बनाएगा। यहाँ मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये इस तरह की संरचना बनाएगा इस तरह की। इसमें एक छोटी कोशिका होगी और एक बड़ी कोशिका होगी, या दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाले जो कोशिका होगी या नीचे वाला जो भाग होगा इसे कहेंगे हम राइजोडियल सेल। क्या कहेंगे इसे? राइजोडियल, राइजोडियल सेल। ठीक है, और जो ऊपर वाली कोशिका होगी उसे कहेंगे हम प्रोथेलियल सेल। क्या कहेंगे? प्रोथेलियल सेल। ठीक है ना, प्रोथेलियल सेल। जो राइजोडियल सेल है हमारी, ये राइजोडियल सेल तो बनाएगी राइजोम। क्या बनाएगी? ये राइजोम बनाएगी या राइजोडिया बनाएगी। ठीक है, और जो प्रोथेलियल सेल है ये बनाएगी प्रोथेलस। क्या बनाती है? ये प्रोथेलस बनाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोथेलस का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। अब वो कैसे होता है आगे हम डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दिया है जिसको हम पढ़ेंगे, छोट छोट में बता दिया है क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इक्विसिटम जो होता है, इक्विसिटम में होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। होमोस्पोर्स का मतलब होता है सम बीजाणु। होमोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, सम बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, सम बीजाणु पाए जाते हैं, मतलब जो बीजाणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है, समान प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना को देखें तो ये गोल हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, गोल और हरे रंग के होते हैं, मतलब ये हमें गोल और हरे रंग के नजर आते हैं, जिनमें एक केंद्रक होता है और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। एक तो केंद्रक होगा इनके अंदर और एक क्या होगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। इनकी भित्ति होती है मोटी। इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, जो चार कंसेंट्रिक परतों से बनी होती है। कितनी परतें हैं इसके अंदर, चार, चार परतों से ये बनी होती है। जो सबसे भीतरी परत होती है, जो सबसे लास्ट वाली परत होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटाइन, जो लास्ट वाली लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटाइन, नाम याद रखने हमें। इसके ऊपर, या इसको आप एंडोडर्मिस भी बोल सकते हो, इंटाइन या एंडोडर्मिस कहलाती है। जो एक्साइन, जो इसके ऊपर परत होती है, उसे कहेंगे हम एक्साइन, या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्सोस्पोर। देखो यहाँ पर दो नाम है, एक है एक्सोस्पोर और एक है एपिस्पोर। एपिस्पोर वो परत है जो इलेटर्स का फॉर्मेशन करती है। एक्सोस्पोर वो परत है जो कि इंटाइन लेयर के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम एक्साइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्साइन द्वारा घिरी रहती है। ये दोनों स्तर बीजाणु के साइटोप्लाज्म से बनते हैं। ये दोनों जो लेयर होती है किससे बनती है, बीजाणु के साइटोप्लाज्म से बनती है। इन्हें कहा जाता है ट्रूवास, सत्य परतें कहा जाता है, ट्रूवास होती है ये। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये जो परतें होती है किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। अब जो एक्सोस्पोर होता है, एक्सोस्पोर के बाहर एक क्यूटिकल युक्त मिडिल लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो मिडिल लेयर होती है, जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं, ये मिडिल लेयर किसकी बनी होती है, ये मिडिल लेयर बनी होती है क्यूटिकल की। किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्यूटिकल लेयर होती है जो सबसे बाहरी परत एपिस्पोर द्वारा घिरी रहती है। जो सबसे बाहर की परत होती है वो क्या होती है, यहाँ पर एपिस्पोर होती है, ठीक है। अब इसकी संरचना को आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो जब नमी होती है तब तो ये इस तरह का होता है नमी के समय, और जब सूखा होता है तो ये इस तरह का हो जाता है। जब सूखता है तो ये इस तरह का दिखाई देता है, सूखने के बाद में इसमें ऐसे पंख जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेटर्स, ठीक है। तो ये जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर, वो एपिस्पोर पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड से उत्पन्न होते हैं। पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड कहाँ था, पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड था हमारे जो बीजाणु धानी थी उसके अंदर, ठीक है ना। जो क्योंकि हमें पता है कि जो 1/3 कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर क्या बनाती है, वो पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड बनाती है, ठीक है ना। और 2/3 कोशिकाएं जो होती है वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड होता है, ये क्या होता है कि इनके आसपास जम जाता है। आसपास जमने की वजह से ये यहाँ पर लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब जो सबसे बाहरी परत होती है, जब ये सूखा होता है, मतलब जैसे सूखने लग जाता है बीजाणु, जैसे जैसे सूखने लग जाता है, अगर गीला होता है तो ये जो इलेटर्स होते हैं ये इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। लेकिन जब ये सूखने लग जाता है तो ये जो बाहर की, सबसे बाहर की जो परत होती है, ठीक है, सबसे बाहरी परत जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिस्पोर बोल रहे हैं, वो एपिस्पोर विघटित होकर चार पट्टियां बनाती है। देखो ये चार पट्टियां, 1, 2, 3 और 4 पट्टियां बनाती है, ठीक है ना। ये मैं हट जाता हूँ एक बार, फिर दोबारा से यहाँ से चार पट्टियों का निर्माण करती है। ये पट्टियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है किंतु एक बिंदु पर जुड़ी होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो नीचे वाले में। यहाँ पर ये इस एक बिंदु से जुड़ी हुई है और ये चारों पट्टियां अलग अलग है, एक दूसरे से तो अलग अलग है लेकिन ये एक बिंदु पर जुड़ी रहती है। इन पट्टियों के शीर्ष को अगर आप देखोगे तो ये चपटे होते हैं और चम्मच नुमा दिखाई देते हैं। ये देखो चपटा चपटा सा शीर्ष है लेकिन कैसा है, चम्मच के जैसा है। यहाँ पर भी देखोगे तो चम्मच जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, चम्मच के आकार का दिखाई देता है। इन पट्टियों को इलेटर्स कहा जाता है। इलेटर्स को वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं। पंख नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, इलेटर्स कहलाती है, ठीक है। तो ये जो पट्टियां हैं ये क्या कहलाती हैं, यहाँ पर इलेटर्स कहलाती हैं, ठीक है। ये इलेटर्स जो होते हैं आर्द्रता ग्राही होते हैं। आर्द्रता ग्राही का मतलब जो वातावरण में जो नमी होती है उसको सोखने का काम करते हैं। तो इलेटर आर्द्रता ग्राही होने की वजह से ये वातावरण की नमी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं और वापस से उस बीजाणु के ऊपर लिपट जाते हैं, ठीक है। जो वातावरण में नमी होने पर बीजाणु पर सर्पिलाकार रूप से लिपटे रहते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तथा शुष्क वातावरण में बाहर फैल जाते हैं। और जैसे शुष्क वातावरण होता है तो ये इस तरह से फैल जाते हैं, ठीक है। ये बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है
इलेटर्स ये बीजाणु का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे ये सूख जाता है तो इन पंखों की सहायता से, इन इलेटर की सहायता से ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अंकुरण करते हैं। और जब इनमें अंकुरण होता है तो फिर प्रोटेलस का निर्माण होता है। तो ये अंकुरण करेंगे, इनमें क्या होगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण करके क्या बनाएंगे, ये प्रोटेलस यानी कि हमारा गेमिटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, गेमिटोफाइट बनाएंगे, गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अब जैसे कि हमारा स्पोर तो देख लिया हमने किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, अब इसका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जर्मिनेशन के लिए यहाँ पर ये प्रोसीजर दिया गया है डायग्राम के थ्रू। तो ये जो स्पोर होता है हमारा, इस स्पोर में हमने देखा कि एक तो केंद्रक होता है और केंद्रक के साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जब ये बीजाणु पानी को सोख लेता है तो पानी सोखने की वजह से इसकी जो बाहर की भित्ति होती है वो फट जाती है। ठीक है, वो फट जाती है और अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। एक कोशिका को तो हम बोलते हैं प्रोथीलियल कोशिका, जो बड़ी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, यहाँ पर प्रोथीलियल कोशिका है, और जो छोटी कोशिका होती है वो कहलाती है राइजोडियल कोशिका। ठीक है, राइजोडियल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जबकि जो प्रोथीलियल कोशिका होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तेल की बूंदे भी होती है, यानी कि भोजन के लिए यहाँ पर सारी सामग्री अवेलेबल होती है। जो राइजोडियल कोशिका होती है, ये राइजोडियल कोशिका तो राइजोम का निर्माण करती है, इस तरह की राइजोइड्स बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, राइजोइड्स बन जाते हैं, जबकि जो प्रोथीलियल कोशिका होती है वो पूरे के पूरे गेमेटोफाइट का प्रोथेलस बनाती है। ये प्रोथेलस जो बना हुआ है ये इस प्रोथीलियल कोशिका से ही बना होता है। तो ये जो प्रोथीलियल कोशिका होती है ये अनियमित विभाजन करती है और एक प्रोथेलस का निर्माण करती है जिसे हम बोलते हैं हमारा गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्पोर का जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बाकी, हम देखते हैं कैसे होता है। इसमें बीजाणु जो होता है अंकुरित होकर गेमिटोफाइट का निर्माण करता है। ये बीजाणु अंकुरित होगा और इस तरह का ये एक गेमिटोफाइट बनाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, गेमिटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, इनका बीजाणु मुलायम होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, ये ज्यादा अवधि तक जीवित नहीं रह सकता, अतः ये कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता है। इसको ज्यादा जीवित नहीं रह सकता ये, इसलिए ये जल्दी ही क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो कम समय का इसका जीवन काल होने की वजह से ये जल्दी ही क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बीजाणु होता है ये बीजाणु जल अवशोषण कर फूल जाता है। जैसे ये बीजाणु है, ये बीजाणु क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा और फूल जाएगा, जिससे इसका बाह्य चोर फट जाएगा, जो इसका एक्साइन पार्ट है वो फट जाएगा। इसी समय इलेटर भी अलग हो जाते हैं, तो ये इलेटर्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से झड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे और केवल एक गोलाकार संरचना बचेगी हमारे पास में, इस तरह की संरचना बचेगी। ठीक है, अंकुरण के समय बड़ी रसधानी की जगह कई छोटी छोटी रसधानियां बन जाती है। इसके अंदर जो वैक्यूल होता है उसकी जगह पर यहाँ पर छोटी छोटी सी रसधानियां बन जाती है, तथा क्लोरोप्लास्ट भी केंद्रक के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। जैसे अंकुरण होने लग जाता है तो ये जो केंद्रक होता है इस केंद्रक के चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट जमा हो जाता है। ठीक है, जब ये क्लोरोप्लास्ट जमा हो जाता है तो बीजाणु में एक विभाजन होता है जिसे बोलते हैं प्रथम विभाजन। जैसे ही इसके अंदर यहाँ पर केंद्र के और केंद्र के आसपास जो है क्लोरोप्लास्ट जमा हो गया, अब यहाँ पर होगा प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन से दो असमान कोशिकाएं बनती है, दो असमान कोशिकाएं जिनका आकार समान नहीं होता है। एक छोटी कोशिका बनती है जिसे बोला जाता है राइजोडियल कोशिका या प्राथमिक मूलाभाषी कोशिका। जो राइजोडियल कोशिका है इसे कहा जाता है हिंदी में प्राथमिक मूलाभाषी कोशिका। और दूसरी कोशिका होती है बड़ी जिसे कहा जाता है प्रोथेलियल कोशिका। ये प्रोथेलियल कोशिका होती है जो बड़ी है, ये बड़ी जो कोशिका है ये कैसी, ये क्या है, इसका नाम प्रोथेलियल कोशिका है। और जो छोटी कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, राइजोडियल कोशिका होती है। ये जो राइजोडियल कोशिका होती है यही राइजोम का निर्माण करती है, राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। तो राइजोइड्स यहाँ पर है और जो आपका थैलस है वो इस तरह का ये थैलस बनाती है जिसके ऊपर नर और मादा जननांग लगते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइट बोलते हैं। समझ में आई बात, तो बिल्कुल सिंपल है, याद रखना, कोई ज्यादा खास इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो छोटी राइजोडियल कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट छोटे अथवा अनुपस्थित होते हैं। जो राइजोडियल कोशिका है इसमें या तो क्लोरोप्लास्ट होता है तो छोटा होता है, और अगर नहीं होता तो फिर वो अनुपस्थित ही होता है। जबकि जो बड़ी कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका जिसे हम बोल रहे हैं प्रोथीलियल कोशिका, इस प्रोथीलियल कोशिका में अनेक क्लोरोप्लास्ट तेल की बूंदे भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ तेल की बूंदे भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये जो राइजोडियल कोशिका होती है ये लंबी होती है, ये राइजोडियल कोशिका है, देखो यहाँ पर ये राइजोडियल कोशिका थी और ये राइजोडियल कोशिका क्या हो रही है, लंबी हो रही है, इस प्रकार से ये लंबी हो रही है। लंबी होकर प्रथम मूलाभास बनाती है, तो लंबी होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे बोल रहे हैं हम प्राइमरी राइजोइड्स या प्रथम मूलाभास।
जबकि जो प्रोथेलियल कोशिका होती है, ये वाली बड़ी कोशिका, ये विभिन्न तलों में विभाजन करके प्रोथेलस का निर्माण करती है। तो इस तरह का एक प्रोथेलस ये बना लेती है और यहाँ पर ये राइजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोथेलस बनना शुरू हो जाता है। तो पहले तो एक ही जड़ बनती है, एक ही मूलावास बनता है, बाद में ये आगे बढ़ता चला जाता है और ज्यादा मूलावास बन जाते हैं। जबकि जो प्रोथेलियल कोशिका होती है वो बारम्बार विभाजन करती है और एक प्रोथेलस का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आया। अब जो प्रोथेलस होता है, प्रोथेलस का आकार व अमाप वातावरण पर निर्भर होता है। वातावरण पर इसलिए निर्भर होता है कि ये अगर पास पास उगते हैं, मतलब जैसे एक बहुत सारे बीजाणु एक ही जगह पर उग जाते हैं, तो इनका जो प्रोथेलस होता है वो ऐसा पतला होता है। ठीक है ना, एक साथ ही बहुत सारे बीजाणु उग गए तो वो प्रोथेलस कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है, और इसके ऊपर लगने वाले जो जननांग होंगे वो केवल कैसे होंगे, नर जननांग, या भोजन की कमी हो गई तभी ये प्रोथेलस जो होगा इस तरह का पतला होगा और इन पे भी नर जननांग ही लगेंगे। लेकिन अगर बीजाणु दूर दूर छितर गए, बहुत ज्यादा दूरी हो गई उनके बीच में, तो फिर प्रोथेलस जो होता है या जो गेमेटोफाइट होता है आपका, वो गेमेटोफाइट इस तरह का गुदेदार होता है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो वह स्ट्रक्चर है जब बहुत सारे बीजाणु पास पास में स्थित हों और एक साथ अंकुरण कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर नर जननांग वाले प्रोथेलस का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर ये बीजाणु कई दूर दूर जाकर स्थित होते हैं, कई दूर दूर जाकर अंकुरित होते हैं, तो फिर इनमें गुदेदार प्रोथेलस का निर्माण होता है जिसमें नर और मादा जननांग दोनों ही बनते हैं, यानी कि ये मोनोसियस होता है, उभयलिंगाश्री होता है। ठीक है, चलिए, यदि एक ही स्थान पर अनेक स्पोर अंकुरित हों तो उनसे बनने वाला प्रोथेलस तंतुमय होता है, इस तरह का तंतुनुमा संरचना बनाता है। ठीक है, जबकि दूर दूर अंकुरित होने वाले प्रोथेलस अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, मोटे और गद्दीनुमा होते हैं, जब दूर दूर अगर ये छितरा जाता है। ठीक है, परिपक्व प्रोथेलस हल्के भूरे रंग का थेलस नुमा संरचना होती है। जो परिपक्व होता है वो कैसा होता है, हल्के भूरे रंग का होता है और थेलस जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसका व्यास जो होता है वो 1 से 10 मिलीमीटर तक का होता है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक के, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इनकी निचली सतह पर अनेक राइजोइड उपस्थित होते हैं, तो ये जो निचली सतह होती है इसके ऊपर राइजोइड्स होते हैं नीचे की साइड में, जबकि ऊपरी सतह उधर्व और हरी साखित व असाखित पालियां होती है। या तो इसके ऊपर साखित पालियां होती है जिस तरह की स्ट्रक्चर है, या फिर असाखित पालियां यहाँ पर जिस तरह की स्ट्रक्चर है वो होती है। ठीक है, इन प्रोथेलस पर नर और मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। ये जो प्रोथेलस बनते हैं इन्हीं के ऊपर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल जो है जननांग वो आपके लगते हैं इस गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, प्रोथेलस की जो सेक्सुअलिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। देखो, सेक्सुअलिटी का मतलब है यहाँ पर कि इसके अंदर जो नर और मादा जननांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमें इस तरह के, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, 3 प्रकार के प्रोथेलस दिखाई देते हैं। लेकिन उनमें से सर्वाधिक मात्रा में बनने वाले जो प्रोथेलस होते हैं वो ये जो नंबर 1 है इस तरह के होते हैं। ठीक है ना, जो ऊपरी ऊपर जो बन रहा है वो उभय लिंगाश्रय है। ये कैसा होता है, उभय लिंगाश्रय, उभय लिंगाश्रय, लिंगाश्रय, या फिर इसको आप बोलोगे मोनो मोनोसियस। ठीक है ना, मोनोसियस, तो मोनोसियस प्रकार का जो है प्रोथेलस या गेमिटोफाइट जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि डायोसियस, डायोसियस मतलब जिसमें एक में नर जननांग हो और एक में मादा जननांग हो, अलग अलग थेलस पर बन रहे हो, तो उसे कहा जाता है डायोसियस। क्या कहा जाता है, डायोसियस। ठीक है ना, तो ये डायोसियस स्ट्रक्चर है और ये मोनोसियस स्ट्रक्चर। मोनोसियस स्ट्रक्चर में नर जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, नर और मादा जननांग जो होते हैं वो एक ही प्रोथेलस पर उगते हैं, तो उसे कहा जाता है उभयलिंगाश्रय या मोनोसियस। मोनो मतलब एक पर ही आश्रित हो, ठीक है ना, तो एक पर ही आश्रित हो ऐसे। डायोसियस का मतलब है दोनों अलग अलग जगह आश्रित हो, नर जननांग अलग आश्रित हो और मादा जननांग अलग वाली स्ट्रक्चर पर उपस्थित हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें 3 तरह के प्रोथेलस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इक्विसिटम की अधिकांश जातियों में प्रोथेलस मोनोसियस यानी कि उभय लिंगाश्रय होते हैं। तो ज्यादातर मिलने वाले जो प्रोथेलस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, मोनोसियस प्रकार के प्रोथेलस हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर जातियों के अंदर। ठीक है, जो मोनोसियस होते हैं, मोनोसियस मतलब जिसके ऊपर नर और मादा जना, तो यहाँ देखोगे तो ये एंथ्रीडिया लगे हुए हैं और ये सब क्या है, यहाँ पर आर्किगोनिया है। ठीक है ना, ये जो है यहाँ पर ये आर्किगोनिया लगे हुए हैं इस प्रोथेलस के ऊपर, इस तरह की स्ट्रक्चर जो लगी हुई है ये आर्किगोनिया है।
ठीक है। इक्विसिटम में तीन प्रकार के, इक्विसिटम में तीन प्रकार के गेमिटोफाइट परिवर्तित होते हैं, तीन प्रकार के गेमिटोफाइट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है हल्के पीले रंग के नर गेमिटोफाइट, ये जो है ये नर गेमिटोफाइट है, तो ये हल्का, इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है, ठीक है। दूसरे गेमिटोफाइट होते हैं जिन्हें बोला जाता है मादा गेमिटोफाइट, यानी कि फीमेल गेमिटोफाइट। ये तो मेल गेमिटोफाइट है और ये कैसा है, फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है ये हरा होता है, ये कैसा होता है, हरा, और ये कैसा होता है, पीला, ये होता है पीला, ठीक है ना। तो गहरे हरे रंग का मादा गेमिटोफाइट होता है। और तीसरे प्रकार का होता है उभयलिंगाश्री, जिसके अंदर दोनों ही नर और मादा जनांग दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, इन्हें कहा जाता है उभयलिंगाश्री गेमिटोफाइट या मोनोसियस गेमिटोफाइट। तो इस तरह से तीन प्रकार के यहाँ पर हमें जनांग देखने को मिलते हैं, मतलब तीन प्रकार के जो है गेमिटोफाइट वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, इसका भी कारण है। यदि बीजाणु दूर अंकुरित हो, मतलब दूर जाकर अंकुरित हो, तो फिर उभयलिंगाश्री होते हैं, क्योंकि वहां पर नर और मादा जननांगों का जो निर्माण होता है उसमें जो एंथ्रीडिया के अंदर जो स्पर्म बनेंगे और जो मादा जननांग है आर्किगोन है उसके अंदर जो आपके अंड बनेंगे उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक एक बनेगा तो दूरी बढ़ने की वजह से, तो दोनों ही जो जननांग होते हैं नर और मादा जननांग, वो एक ही थैलस पर बन जाते हैं ताकि उनके बीच में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके। समझ में आई बात, ठीक है। जिनमें पहले स्त्रीधानियां तथा बाद में पुधानियां बनती हैं, पहले तो स्त्रीधानियां बनेगी यानी कि आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा और बाद में फिर एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर, उभयलिंगाश्रय के अंदर, ठीक है। लेकिन यदि बीजाणु सघन रूप से अंकुरित होते हैं, बीजाणु अगर पास पास अंकुरित हो रहे हैं, तो पास पास अंकुरित होते हैं तो फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की समस्या नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे नर जननांग और बहुत सारे मादा जननांग यहाँ पर बन जाते हैं अलग अलग थैलस पर, तो फर्टिलाइजेशन की समस्या नहीं रहती। लेकिन अगर दूर दूर स्थित है, दूर दूर अलग अलग जगह पर उपस्थित है, बीजाणु अंकुरण हो रहा है, वहां पर प्रोथैलस का निर्माण हो रहा है, गेमिटोफाइट बन रहे हैं, तो फिर उन्हीं थैलस के ऊपर दोनों ही प्रकार के नर जननांगों का लगना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन होने में आसानी हो सके। तो सघन रूप से अंकुरित होते हैं तो इनमें केवल पुधानियां विकसित होती हैं। अगर ये सघन रूप से विकसित हो तो फिर इनमें क्या बनते हैं, पुधानियां बनती है, यानी कि एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो एंथ्रीडिया वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये कभी कभी भोजन की कमी के द्वारा भी बनते हैं, यानी कि जो मेल गेमिटोफाइट होते हैं ये भोजन की कमी के द्वारा भी बनते हैं। और दूसरा, इनकी संख्या ज्यादा होने का कारण ये होता है कि अगर ये सघन रूप से बीजाणु का अंकुरण हो रहा है, सघन जगह पर एक से ज्यादा बीजाणु अंकुरित हो रहे हैं, तब भी क्या होते हैं, नर जननांग ही बनते हैं, यानी कि नर गेमिटोफाइट ही बनता है, मेल गेमिटोफाइट ही बनता है। इसे ही बोलते हैं हम यहाँ पर आपकी सेक्सुअलिटी ऑफ प्रोथेलस। समझ में आई बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्पोर का पढ़ा, स्पोर की स्ट्रक्चर को पढ़ा, इंपॉर्टेंट है पांच नंबर का। उसके बाद हमने स्पोर का जर्मिनेशन पढ़ा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इक्विसिटम के स्पोर का वर्णन करिए और उसका जर्मिनेशन कैसे होता है उसका वर्णन करिए, ठीक है। इसके बाद में एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन जो है हमारे, दो नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर प्रोथेलस से, ठीक है। प्रोथेलस किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, या प्रोथेलस की सेक्सुअलिटी किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि इनके बीच में जो ये नर जननांग यानी कि एंथ्रीडिया किस प्रकार के होते हैं, यानी कि मेल गेमिटोफाइट किस प्रकार का होता है, फीमेल गेमिटोफाइट किस प्रकार का होता है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन से जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर जायगोट से वापस से जो हमारा स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।